हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने चल रहे हैं जेड प्लांट की कटिंग को किस प्रकार से लगाया जाता है। इसके लिए आपको सबसे पहले नीचे की पत्तियों को उतार लेना है और नीचे की तरफ एक शार्प कट दे देना है। जेड प्लांट को कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे मनी ट्री या जेड ट्री या फिर चाइना की छोटी पत्थर चट। फ्रेंड्स, ये मनी प्लांट की तरह ही बहुत ही खैर बरकत वाला होता है। फ्रेंड्स, अगर बात कर ली जाए इसके केयर टिप्स की, जब आप इसे गमलों में लगा रहे हो तो ये ध्यान रखें कि गमला कम से कम 8 इंची का हो, और दूसरी बात, इसमें सॉइल जो आप यूज़ करेंगे वो बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो, पोरस सॉइल हो। उसमें आप बालू का इस्तेमाल कर लीजिएगा या धान की भूसी जो होती है उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर सॉइल आपकी एकदम सॉफ्ट रहेगी तो इससे फ़ायदा ये होगा कि पत्तियाँ थोड़ी साइज में बड़ी होंगी और चमकदार होंगी। और फ्रेंड्स, अप्रैल मई के मंथ में इसे सीधी धूप में नहीं रखना है, इसे ग्रीन नेट के नीचे रखना है। और फ्रेंड्स, विंटर में आपको ओवर वाटरिंग इसमें नहीं करनी है। ओवर वाटरिंग अगर आप करेंगे तो इसके पत्ते झुलस सकते हैं और झड़ जाएंगे, जिससे प्लांट खूबसूरत नहीं लगेगा। आइए फ्रेंड्स, अब सॉइल देखते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए सॉइल एकदम पोरस सॉइल है, इसमें हमने बालू मिलाया है। चलिए फ्रेंड्स, अब बैग ले लेते हैं। ये 3 इंची का बैग है, अब लोग इसमें सॉइल को भर लेंगे। फ्रेंड्स, बैग भर चुका है, अब हम लोग इसमें चलते हैं, पानी देते हैं। फ्रेंड्स, ये मौसम जो है बरसात का चल रहा है, इस वजह से जब कटिंग लग जाए आप इसको ओपन एरिया में मत रखिएगा, किसी शेड के नीचे रखिएगा, क्योंकि जब बरसात होती है कटिंग हिल जाती है तो उससे फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं। चलिए अब कटिंग को किक करके बिठा देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको बोनसाई बनाना हो तो एक बैग में सिर्फ एक ब्रांच लगाइएगा। अगर आपको गमलों में या हैंगिंग बास्केट में लगाना है तो एक बैग में कई ब्रांच लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें रूटिंग पाउडर यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, बैग तैयार हो जाने के बाद आपको इसे सेमी शेड एरिया में रख देना है लगभग 20 दिनों के लिए। फ्रेंड्स, ये देखिए बैग तैयार हो चुका है। चलिए 20 दिन का अपडेट देखते हैं 20 दिन के बाद। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।